सीधे आपको लेकर चलेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीसफुल तरीके से पार्टी ऑफिस में इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना भी इनको एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उनका ये दांव, उन्होंने जो भी षड्यंत्र और दांव बनाया है, ये उल्टा पड़ने वाला है। ये इतना उल्टा पड़ेगा इनको कि इतिहास याद रखेगा। केजरीवाल कोई मामूली लीडर नहीं है, जिसको आप गिरफ्तार कर दोगे वो बैठ जाएगा। केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा, और इस एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए। अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए, हर परिवार को सुखी बनाने के लिए खूब काम किए, दिन रात काम किए, एक एक परिवार की खुशी की व्यवस्था करी, उनके परिवार को खुश रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे न्योछावर कर दिया। आज ऐसी परिस्थिति में ये सारे परिवार, दिल्ली की सारी जनता, देश के सारी जनता केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उनके तानाशाह का जवाब देने के लिए तैयार है। चुनाव में पूरी ताकत से जनता इनको जवाब देगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अन्याय चाहे कितना भी मजबूत दिखे, उसका अंत सुनिश्चित है। थैंक यू। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे निशाने पर मोदी सरकार को लिया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक केजरीवाल से इतना डर गए कि उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जरा सोचिए इस सरकार का क्या हाल होगा, क्योंकि दिल्ली के हर घर से अब केजरीवाल निकलेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।